पांडे के आवास से जांच एजेंसी सीबीआई निकल चुकी है और सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में एक पोटली है अधिकारी तो कुछ बताने रहे, लेकिन रामजी पांडे के घर से एक मशीन लेकर, फोटो प्रिंटिंग की मशीन लेकर सीबीआई की टीम निकली है और गोदाम में बड़ा डाला हुआ था। यह गोदाम से है और रामजी पांडे इस गोदाम के संचालन करते रहे हैं। रामजी पांडे के द्वारा ही गोदाम को संचालन किया जाता और इसी मामले में एफसीआई की जो प्रधान कार्यालय है उनके द्वारा सीबीआई जांच करने की अनुशंसा की गई थी। सीबीआई के पास इस मामले को भेजा गया था, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने दबिश दी है, रामजी पांडे के घर पर दबिश दी गई है। वहां से सीबीआई की टीम अब निकल चुकी है। सीबीआई की टीम लगभग 5 घंटे तक रामजी पांडे से पूछताछ करती रही है। यह पता लगाया गया है कि जिस तरह से अनाज की कालाबाजारी की गई है, उसे कहाँ भेजा गया है और कौन कौन से लोग शामिल है। हम फिर से बता दें कि रामजी पांडे का सरिया में एक गोदाम है और इस गोदाम में अनाज की बड़ी हेरा फेरी हुई है, जिसे एफसीआई के केंद्रीय टीम ने पकड़ा भी था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को लिखा गया था और फिर सीबीआई की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी पहली दफा सीबीआई की टीम रामजी पांडे के घर पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि जब पूरी जांच होगी तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कई लोगों का नाम सामने आएगा जिन्होंने गरीबों के अनाज पर डाका डाला था। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।